सरकारी बस ददरी नहान के लिए चली थी, स्टेरिंग फेल हुआ। क्षेत्र सिकंदरपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। बेलथरा से भरी सरकारी बस ददरी नहान के लिए चली थी बलिया के तरफ, जो सिकंदरपुर ब्लॉक से ठीक कुछ दूर बस की स्टेरिंग फेल हो जाने से रोडवेज बस सीधे पेड़ से जा टकराई। इसमें सवार करीब 60 से 70 लोग सवार थे। इसमें बहुत लोगों को गंभीर चोटें आई है। एम्बुलेंस की कतारें बराबर लगी हुई है। कुछ लोगों की पैर टूट गई, कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है। बलिया से संवाददाता समीर कुमार की खास। ड्राइवर भी काफी आहत है, सीरियसली है, और उसके कथनानुसार स्टीयरिंग फेल हुआ, इस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 55 लोगों का बस पे सवार होना बताया जा रहा है, जिसमें से 42 लोग घायल हैं। काफी लोगों के हाथ और पांव टूटे हैं, और अभी तक एक सीरियस कंडीशन में थी, उनको रेफर कर दिया गया बनारस। शेष का यही जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। एक लेडी और है जो कंडीशन थोड़ा सीरियस गंभीर है उनकी, तो अभी इलाज चल रहा है, आगे स्थितियां पता चलेंगी। मैम, जैसे चूंकि देखा जा रहा है कि मौके पे चूंकि एम्बुलेंस वहाँ पे थी नहीं, एक ही दो एम्बुलेंस थी, तो आपकी फोर्स ने वहाँ पे काफी जो मरीज थे उनकी हेल्प की, मदद की, हॉस्पिटल तक ले गए, गोद में उठा तक, जो वहाँ के इंस्पेक्टर से लेके एसआई और जितने लोग हैं वो लोग ले गए। तो मैम, ऐसी स्थिति में जो एक मित्र पुलिस बोली जाती है, कही जाती है, आप मानती है कि जो आपकी वहाँ की फोर्स थी पूर्ण रूप से एकदम एक्टिव थी वहाँ पे मौके पे? हाँ, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, और ये मुझे लगता है हर राइट थिंकिंग नागरिक, चाहे वो वर्दी पहना हो चाहे ना पहना हो, इस तरह की स्थितियों में पूरा मदद करनी चाहिए सबको आगे बढ़कर। और मेरे जवानों ने अगर किया है, मेरे इंस्पेक्टर ने अगर किया है, तो उन काबिल-ए-तारीफ है।